हेलो फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है इस नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, दैट इज पेशाब में होने वाले इन्फेक्शन के बारे में, यानी कि UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। ये बहुत आम समस्या है, कॉमन समस्या है, और बहुत बार पेशेंट्स हमारे पास कंप्लेन लेकर आते हैं कि मुझे यूरिन में जलन हो रही है, बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, मुझे रुक रुक के पेशाब आ रहा है, और एक बार जाने के बाद फिर से थोड़ी सी देर के बाद फिर से ऐसे लगता है कि यूरिन आ रहा है, बट जब टॉयलेट में बैठते हैं तो फिर यूरिन उतरता नहीं है। तो इस तरीके से ये जो कॉमन समस्या है, इसी को इन्फेक्शन के कारण ऐसा प्रॉब्लम देखा जाता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है। तो अब यूरिन में इन्फेक्शन होने का क्या मीनिंग है? क्या डायरेक्ट यूरिन के अंदर इन्फेक्शन होता है? नहीं, यूरिन में इन्फेक्शन नहीं होता। यूरिन में कीटाणु ग्रो करते हैं, और ये कीटाणु जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, यूरिनरी ट्रैक्ट का मीनिंग होता है कि जहां पे पेशाब स्टोर होता है, फिर जहां से निकलता है, तो जो ऑर्गन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर यूरिन बनता है, फिर स्टोर होता है और निकलता है, उसी को हम यूरिनरी ट्रैक्ट बोलते हैं। इस पिक्चर में भी आपको समझ में आएगा कि दो किडनी होती है, दोनों किडनी में पूरा ब्लड अपना बॉडी का फिल्टर होता है, और ब्लड के अंदर जितना भी टॉक्सिक मटेरियल है वो छन कर इन दो नली, तो ये जो दोनों नलियां हैं ब्लैडर के अंदर खुलती हैं, और ब्लैडर पेशाब को स्टोर करने की थैली है, जहां पे जितना भी किडनी से जो पेशाब बन रहा है वो सारा का सारा ब्लैडर के अंदर आकर इकट्ठा हो जाता है। और जब ब्लैडर फूलता है, यानी कि जब उसकी कैपेसिटी बढ़ने लगती है, यूरिन की मात्रा उसके अंदर बढ़ने लगती है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि बहुत ज्यादा खिंच जाता है, तब अपने को उसके सेंसेशन आते हैं कि हाँ मुझे अब यूरिन पास करना है, तब यूरिन ब्लैडर से बाहर की तरफ यूरिथ्रा के द्वारा, यानी कि पेशाब की नली के द्वारा बाहर खुलता है, और जिससे हम यूरिन पास कर पाते हैं। अब इस पूरे ट्रैक्ट में अगर कहीं भी इन्फेक्शन हो गया, यानी कि यूरिथ्रा में, ब्लैडर में, यूरिटर के अंदर या किडनी के अंदर अगर इन्फेक्शन होता है, तो उसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। और ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही जनरली UTI बोला जाता है, और इसी को बोला जाता है कि पेशाब में इन्फेक्शन हो गया है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर पेशाब में इन्फेक्शन हो ही क्यों जाता है, क्या कारण है इसके? तो जो सबसे मोस्ट कॉमन कारण है वो है कि हमारा पानी नहीं पीना। जैसे सर्दियों के समय में या बरसात के समय पे अपन बहुत कम पानी पीते हैं, बहुत कम पानी पीने के कारण यूरिन की मात्रा कम बनती है, कम बनने से ब्लैडर के अंदर यूरिन पड़ा रह जाता है, अपने को यूरिन के सेंसेशंस नहीं आते कि हाँ भी मुझे यूरिन पास करना है या पेशाब जाना है, और वो जो पड़ा पड़ा यूरिन है उसके अंदर बैक्टीरिया या कीटाणु ग्रो करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पानी खूब सारा पीते रहना चाहिए। दूसरा जो कॉमन कारण है वो ये पथरी का होना, जैसे कि मान लो ब्लैडर के अंदर कोई पथरी हो गई है या किडनी के अंदर कोई पथरी बन गई है, उस पथरी एक फॉरेन बॉडी है, फॉरेन बॉडी के साथ में कभी भी कीटाणु या बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, तो वो भी एक दूसरा कॉमन कारण है इन्फेक्शन होने का। तीसरा बहुत ही कॉमन कारण जो आजकल बहुत ही चर्चा में है, इम्यूनिटी वीक होना। जब भी किसी भी इंसान की रोग से लड़ने की शक्ति कम होगी तो ऑटोमेटिकली वो इन्फेक्शन के चांसेस उसमें ज्यादा हो जाते हैं, और जब भी इम्यूनिटी डाउन होती है तो यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है या बॉडी में और भी कई इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसके लिए भी अपने को अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी होती है। चौथा कारण है कुछ ऐसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स का होना, यानी कि ऐसी कोई बीमारी या ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें कि अपने रोग से लड़ने की शक्ति कम हो गई है, जैसे कि प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है यूरिनरी इन्फेक्शन होना, और वो भी बिना सिम्टम्स के, यानी कि पता भी नहीं चलता कि इन्फेक्शन हो गया है, बट फिर भी यूरिन का जब हम टेस्ट कराते हैं, रूटीन टेस्ट कराते हैं, तो पता चलता है कि इन्फेक्शन हो गया है। दूसरा कॉमन कारण है डायबिटीज का होना, या इसके अलावा थायराइड या हाइपरटेंशन या ऐसी कोई बीमारी है जिसमें कि आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है और आपको लगता है कि इम्यूनिटी डाउन हो रही है, तो उसमें भी इन्फेक्शन होने के कारण बढ़ जाता है। तो ये कुछ कॉमन कारण है जिनसे कि इन्फेक्शन होता है। और ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो UTI है, यानी यूरिन में इन्फेक्शन है, वो औरतों में ज्यादा पाया जाता है बजाय कि आदमियों के, यानी कि जेंट्स के। वो ऐसा इसलिए होता है कि जो फीमेल के अंदर यूरिथ्रा की जो लेंथ है वो बहुत छोटी होती है, और वो एनस के पास में, यानी लैट्रिन के रास्ते के पास में खुलती है, जिसकी वजह से लैट्रिन का इन्फेक्शन भी पेशाब के रास्ते तक पहुंच जाता है, और यूरिथ्रा की लेंथ
छोटी होने के कारण इन्फेक्शन जल्दी से ब्लैडर तक यानी कि अंदर शरीर के अंदर पहुंच जाता है। इसलिए औरतों को स्पेसिफिकली खास तौर पर अपना ध्यान रखना होता है, बचाव करना होता है। जब भी आपको डॉक्टर सैंपल लेने के लिए बोलते हैं तो आपको जो वायल दिया जाता है वो एक साफ सुथरी वायल होती है, और जब आपको सैंपल कलेक्ट करना होता है तो एक इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी होती है कि हमेशा मिड स्ट्रीम सैंपल हमें चाहिए होता है। मिड स्ट्रीम सैंपल का मीनिंग ये होता है कि जो शुरू का जो सैंपल है यानी यूरिन का जो वॉल्यूम आया या थोड़ी मात्रा आई है उसको पहले डिस्कार्ड करना होता है, फिर जब प्रॉपर फ्लो में यूरिन आने लगे तब आपको उसको इकट्ठा करना है, क्लीन कैच करना है, और लास्ट का सैंपल भी नहीं लेना है तो बीच का सैंपल लेना है। और उस जब सैंपल आपने इकट्ठा किया तो उसको साफ सुथरे हाथों से अलग रख देना है, उसको बॉडी में और कहीं टच नहीं करना है और उसको और कहीं गंदा नहीं करना है। और कई बार आपको ब्लीडिंग हो रही है तो हो सकता है उसमें ब्लड की ड्रॉप्स चली जाए तो उसको भी अवॉइड करना है, क्योंकि ये अननेसेसरी आपकी रिपोर्टिंग गलत हो जाएगी कि ब्लड की यूरिन के अंदर ब्लड भी है, जबकि एग्जैक्टली आपके ब्लीडिंग का ब्लड है कि जो उसमें नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी कुछ बातें आपको सैंपल कलेक्शन के टाइम पे ध्यान रखनी चाहिए। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इसका पता कैसे लगेगा कि कन्फर्मली कि हाँ मेरे को इन्फेक्शन हो गया है। तो जब भी आप ऐसे कोई सिम्टम्स लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको यूरिन का टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं। जो यूरिन में टेस्ट होता है वो एक रूटीन माइक्रोस्कोपी टेस्ट होता है और एक कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट होता है। तो जो फर्स्ट हैंड इन्वेस्टिगेशन है दैट इज यूरिनरी रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जिसमें कि ये एग्जामिन किया जाता है कि यूरिन के अंदर कोई बैक्टीरिया है क्या, या उसमें जो पस सेल्स हैं यानी कि रोग से लड़ने वाली जो सेल्स होती हैं वो कहीं बहुत ज्यादा मात्रा में तो नहीं है, जिनको कि WBC बोला जाता है। तो WBC का नंबर अगर बढ़ जाता है और किसी प्रकार का कोई कीटाणु अगर उसके अंदर दिख रहा है अपने को यूरिन के अंदर, तो हम ये बोलेंगे कि इन्फेक्शन हो गया है। अब ये जो इन्फेक्शन हुआ है उसको कंफर्म करने के लिए कि ये कौन से टाइप का बैक्टीरिया है और उस पर कौन सी मेडिसिन काम करेगी, उसके लिए फिर हमें एक और टेस्ट लगाना पड़ता है जिसको बोलते हैं यूरिनरी कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। कल्चर के अंदर यूरिन का थोड़ा सा ड्रॉप लेकर पेट्री डिश के अंदर डाला जाता है और उसको ग्रो किया जाता है ताकि उसमें बैक्टीरिया ग्रो हो जाए। अब जब वो बैक्टीरिया ग्रो होगा तो उसको फिर आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन से टाइप का कौन से प्रकार का बैक्टीरिया है, और फिर उस पर दवाइयां डालकर देखा जाता है कि ये बैक्टीरिया कौन सी दवाई से खत्म हो रहा है। तो फिर उसका जो रिपोर्ट आता है वो इस तरीके का एक रिपोर्ट आता है जिसमें कल्चर के आगे लिखा जाता है कि ये बैक्टीरिया का नाम लिखा गया, फिर उसके नीचे सारी ड्रग्स लिखी जाती हैं कि ये ड्रग सेंसिटिव है या रेजिस्टेंट है। इसी रिपोर्ट के आधार पर फिर डॉक्टर आपको प्रॉपर एंटीबायोटिक सजेस्ट कर पाता है कि ये वाली एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया को खत्म करने में सक्षम है। तो अब हम बात करते हैं कि यूरिनरी इसके इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि पानी बहुत ज्यादा पीना, 3 से 4 लीटर पानी पूरे दिन भर में पीना होता है। अगर आप 3-4 लीटर पानी पीती हैं तो आपको बार बार यूरिन आता रहेगा, आपके बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो क्लियर होते रहेंगे, और यूरिन को किसी प्रकार से आपको बॉडी में होल्ड नहीं करना होता है। जितनी बार भी आपको लगता है कि यूरिन आ रहा है तो आप तुरंत जाएं, कोशिश करें कि यूरिन पास करके आ जाएं, क्योंकि जितनी देर आप उसे होल्ड करते हैं वो फिर एक इन्फेक्शन का कारण बनता है। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें कि पानी बहुत ज्यादा पीना है और यूरिन को होल्ड नहीं करना है। अब ऐसी कोई सिचुएशन है आपकी कि आप नहीं जा पा रहे हैं तो एक रेयर बात हो गई, बट फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी यूरिन पास कर लें। जब भी आप यूरिन पास करने जा रही हैं तो जो टॉयलेट सीट है वो क्लीन होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। जब भी आप गंदे सीट पर बैठते हैं तो इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, तो उसके लिए आप टॉयलेट स्प्रे यूज कर सकती हैं जो कि सैनिटाइजर्स होते हैं जो डिसइन्फेक्टेंट होते हैं, तो टॉयलेट सीट को डिसइन्फेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जिसमें कि कुछ सैशे हो सकता है, कुछ खाने की गोलियां हो सकती है, और ये जो गोलियां होती है उसमें एंटीबायोटिक्स होती है, और वो एंटीबायोटिक जनरली कल्चर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दी जाती है, बट कल्चर की रिपोर्ट आने में 3 दिन लग जाते हैं यानी 72 आवर्स लगते हैं। तो इनिशियली 72 आवर पीरियड में हम हमारे आइडिया से हमारी नॉलेज के हिसाब से कॉमन एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो एंटीबायोटिक आपको जरूर लेनी होती है तभी वो बैक्टीरिया खत्म हो पाएगा। इसके साथ में कुछ विटामिन सी की गोलियां भी दी जाती है और एक एल्कलाइजर भी दिया जाता है जिससे कि यूरिन का पीएच बढ़ता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाती है। और साथ में एडिशनली अगर आपको जैसे दर्द हो रहा है यूरिन पास करने के बाद में बहुत क्रैम्पिंग पेन आ रहा है तो उसको रिलैक्स करने के लिए पेन किलर्स भी दिए जाते हैं जिससे कि आपको तुरंत इस स्थिति से आराम मिल जाता है। ट्रीटमेंट के समय पे आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने की, अगर आपका यूरिन कल्चर पॉजिटिव आया है यानी कि आपके बैक्टीरिया पाए गए हैं यूरिन के अंदर और उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर ने आपको 7 से 10 दिन की दवाई दे दी है, तो आपको 10 दिन के बाद जब भी आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है यूरिन कल्चर फिर से रिपीट करवाना होता है, और उसमें जब तक रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती तब तक आपको ट्रीटमेंट छोड़ना नहीं होता है।
यही एक मोस्ट कॉमन कारण है कि आपको रिपीटेटिव इन्फेक्शन होता है, यानी कि आपने एक बार कल्चर करवाया, आपने दवाई खाई या बिना कल्चर ही दवाई खा ली और उसके बाद में आपने आपके सिम्टम्स रिलीव हो गए, फिर आपको लगता है कि मैं तो ठीक हो गई हूँ, लेकिन 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 20 दिन बाद आपको फिर से वापस से वही सिम्टम आने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बैक्टीरिया थे उस टाइम एंटीबायोटिक से टेम्पररी सप्रेस हो गए हैं, वो खत्म नहीं हुए हैं पूरी, और जैसे ही एंटीबायोटिक का लेवल डाउन आता है बॉडी में, बैक्टीरिया वापस ग्रो कर जाते हैं और वापस से सिम्टम आने लगते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि ट्रीटमेंट को पूरा कंप्लीट किया जाए और जब तक ये रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती तब तक आप डॉक्टर से मिलना ना छोड़ें और जब तक आप ट्रीटमेंट अपना कंटिन्यू रखें, क्योंकि कई बार हमें 3 से 4 बार तक भी यूरिन कल्चर करवाना पड़ जाता है और उसके अकॉर्डिंगली हम मेडिसिन देते हैं और फाइनली यूरिन का इन्फेक्शन का कंप्लीट ट्रीटमेंट हो पाता है। तो फाइनली अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूरिनरी इन्फेक्शन के क्या क्या कारण हैं और हम उससे कैसे बचाव कर सकते हैं और आपको टेस्ट कितनी बार करवाना चाहिए, जब तक ये रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती तब तक करवाना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से जरूर शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। हम आपसे इसी चैनल पर फिर मिलेंगे, फिर नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।